नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको MR 750 डिस्कवरी के ऊपर DTI कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपको 1.5 और ऑप्टिमा वगैरह पे बताया होगा, जो 16 या 32 चैनल 16 या 8 चैनल थे, ठीक है। ये है 32 चैनल है डिस्कवरी 750 3T में। तो दोस्तों, आपने जैसे मैंने पहले बताया था कि एक ये DTI के लिए एक ये सीक्वेंस चलाना होता है, DTI वाला, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपने DTI का सीक्वेंस आपने एक्सेल में चलाना है, ट्रू में चलाओ ओब्लिक में चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चलाना है, उसको लेना है। ये सीक्वेंस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में कमाल की चीज़ जो है, एडवांस जो है, कि पहले आपने वो देखा होगा वो फंक टूल में काम होता था, 1.5 तक का जो है फंक टूल में, लेकिन 3T के अंदर आपने देखा है ये रेडी व्यू करके एक सॉफ्टवेयर होता है, इस पर क्लिक करना। अब इसमें एडवांस क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली सब ऑटोमेटिक करके देता है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में वेट करिए, वेट करने के बाद में ये वाला पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद में नीचे देखिए, ये ओके लिखा हुआ है, इस ओके के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में वेट करिए, ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका, इसको आगे पीछे करिए, ठीक है, कलर मैपिंग, ये कलर मैपिंग आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ऊपर आइए, ये देखिए DTI फाइबर ट्रैक मिरर ROI मेन आइजन वेक्टर, ये कुछ अलग अलग करके चीज़ें दी गई हैं। तो आपने फाइबर ट्रैक, आपने कोई ट्रैक देखना है, मान लो कहीं पे भी कोई लीजन है या कोई ट्यूमर है, मास है, जो भी है, उस पर देखना है, तो आपने फाइबर ट्रैक पे क्लिक किया, ठीक है। अब फाइबर ट्रैक पे किया तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक ये बना के दे दिया, ट्रैक दिखा दिया है, बेसिकली ब्रेन के अंदर कौन कौन सा ट्रैक कहाँ से जा रहा है। अब फाइबर जो बेस इमेज के अंदर जो ट्रैक करना है उसको कैसे करना है, इधर आइए, ये ऑप्शन जो है न्यू ट्रैक के लिए, अगर कहीं का अलग से आप ट्रैक देखना चाहते हैं, न्यू ट्रैक पे क्लिक करिए। न्यू ट्रैक पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे, तो इस पे क्लिक करिए, एलिप्टिक ROI स्फीयर ROI, ये आप फ्री हैंड ये कुछ ऑप्शन दिए तो आपने ये सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, ये करने से पहले आप वो लीजन जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए कि लीजन कहाँ पे है आपका। सोच करिए कि लीजन आपका पोन्स के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, तो आपने ये ROI लिया और इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जितना ROI आपको चाहिए, जितना आपका लीजन है, कम ज़्यादा जितना चाहिए आप उतना ले लीजिए, जहाँ का आप ट्रैक देखना चाहते, हो गया, ये कवर हो गया। अब इधर आ जाइए, अब ये हो गया, अब आपने ये ट्रैक जो है इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे और वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आ गया आपका, ये ट्रैक निकल के आ गया है, जैसे आपने पहले उसमें देखो 1.5 में आपने टाइम लग रहा होगा, करने पे टाइम लगता है, 1-1.5 मिनट 2 मिनट वेट करो, सिस्टम रीड करता है प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इसके अंदर वन क्लिक है। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये इमिडिएटली जभी की जभी आपको बना के दे देगा स्पीड, ठीक है। यही है जिसकी हम 32 चैनल की बात कर रहे हैं, यही है, और जो सॉफ्टवेयर 750 है ये इसी की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये तो हो गया कि आपने जैसे कॉर्नल के अंदर हो गया, कॉर्नल पे दिखा दिया आपने, ये सेज पे हो गया, सेम इसी तरह आपने एक्जेल पे, जैसे आप दिखा रहे हैं कि भाई एक्जेल पे कहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
दूसरा ये कि अब आपको ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए कहाँ का क्या करना है, आपने इधर आना है डिस्प्ले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। डिस्प्ले ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन है, एक्सेल सेज कर्नल, अब तीनों को अगर चाहिए तो आप रखो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। एक किया, एक चला गया है, दूसरा भी नहीं चाहिए, दूसरा चलो ये कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो ये देखिए, ये केवल आपका सजाइटल सजाइटल का रह गया है। तो इसी तरह से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग एंगल पे अलग अलग वो सबको आप सेव कर सकते हैं। यहां से कलर कोडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे है कलर कोडिंग का, यहाँ पे डिफरेंट 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 कलर जो है आपको दिखाई देंगे। ये देखिए डिफॉल्ट FA ADC, ये अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और इसके अंदर आप मिरर ROI के अंदर देखिए, मिरर ROI ये एक अलग आपको जो ग्रे स्केल के अंदर जो मिलता है ट्रैक वगैरह देखने के लिए, कलर कोडिंग, कलर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये ADC कलर कोडिंग, ठीक है। और ये T2 वेटेड, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका 3 टेस्ला का जो है डिस्कवरी 750 3T MRI का, ये सब चीज़ें हो रही हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। कंसोल पे ही आप ये इसके अंदर जो है आपका रेडी व्यू उसके अंदर करेंगे। तो ये तो हो गई है आपकी DTI की, ट्रैक्टोग्राफी की पोस्ट प्रोसेसिंग। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, आपका इतना जो सपोर्ट मिला उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जी सो मच।